चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और अब बारी आती है मंगलवार के दिन अपनी बिगड़ी बनाने की। जी हाँ, तो पंडित जी, मंगलवार के दिन कौन सा जो पाठ है हमें शत्रुओं से बचा सकता है, हमें निरोगी काया दिला सकता है और हर तरह से हमारी रक्षा कर सकता है? संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। बंधन में पड़े हुए लोगों की, जो लोग किसी कारणवश जेल में अवरुद्ध हैं और गुनाह नहीं है फिर भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, जमानत नहीं हो रही है, मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कम गुनाह पर भी बड़ी कठिनाई हो रही है, ऐसे सभी लोगों को हनुमान चालीसा का 100 पाठ मंगलवार को करना चाहिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बंधन छूट जाएगा, हनुमान चालीसा का 100 पाठ इसलिए भी करना चाहिए कि अगर आपका कोई बच्चा या परिवार का कोई सदस्य लापता हो गया है या रूठ कर घर से चला गया है और उसका आपको पता नहीं चल रहा है, तब भी आप अगर हनुमान मंदिर में बैठ करके 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिए और घी का दिया जला करके हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला का लेप करवा करके, हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ा करके और लड्डू तुलसी का प्रसाद चढ़ा करके, तो निश्चित रूप से रूठा हुआ व्यक्ति, गायब हुआ व्यक्ति, लापता व्यक्ति, उसका भी पता चल जाएगा। शारीरिक अगर कमजोरी है, नासय रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, तो अगर शारीरिक कमजोरी है तो शारीरिक कमजोरियों से भी हनुमान जी मुक्ति प्रदान करते हैं। मंगल से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ये सब, चाहे माइग्रेन की शिकायत हो, ये सब मंगल के प्रभावित रोग हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा, ये तो नहीं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर सचमुच में आप 10 पाठ रोज हनुमान चालीसा का करने लगें और हनुमान मंदिर में या पीपल के नीचे बैठकर करने लगें, तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, थोड़ी सी दवाइयाँ आपके लिए चमत्कार बन जाएंगी और आपका संयम नियम आपको स्वस्थ रखेगा, आप चिरंजीवी दीर्घायु जीवन जिएंगे। मंगलवार और रविवार को पुरुषों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी की उपासना मंगलवार को की जाती है, तो मंगलवार के दिन तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों में राहत मिलती है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बजरंग बाण का पाठ करने से सहस्राबाहु की तरह भी अगर शत्रु है, अर्थात अगर ये बहुत बड़ा शत्रु है, तो वह भी शत्रु पीड़ा से व्यक्ति निजात पा जाता है, व्यक्ति आजीवन दूसरों के षड्यंत्र से बचा रहता है। गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, डायबिटीज, रक्तचाप, जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान हैं, तो 21 या 26 दिनों तक हनुमान बाहु का पाठ करिए। जिनके शरीर में गिल्टियां निकल आई हैं या जिनके शरीर में कोई ऐसा घाव हो गया है या फोड़े फुंसियां निकलती हैं या चमड़ी फट जाती है, वहाँ से एक्जिमा की शिकायत है, तो आपको मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान मंदिर जाकर के 10-10 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए और 10-10 पाठ हनुमान बाहु के करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया
और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हनुमान जी सिद्ध थे, गोस्वामी तुलसीदास को जितनी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, कहा जाता है कि हनुमान जी ने सब कुछ बताया है उन्हें कि इस तरह से आपको करना चाहिए। इसका प्रमाण है चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे ही रघुवीर। ये हनुमान जी के वाक्य है। चित्रकूट में बैठ करके नदी के किनारे तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, राम लक्ष्मण आकर चंदन लगवा कर चले जाते थे, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते थे। हनुमान जी से कहते थे कि आप प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करवा रहे हैं। हनुमान जी कहते थे अरे मैं वो लोग तो आते हैं चंदन लगवाते हैं चले जाते हैं। बोले अच्छा ठीक है तो आप मुझे बताइएगा कब आते हैं। तो जब आए तो तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे ही रघुवीर। उस समय प्रभु श्री राम को चंदन लगा रहे थे तुलसीदास जी, चरण पकड़ कर बैठ गए और उनको दर्शन मिल गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आप फोड़ा फुंसी और किसी तरह के घाव से पीड़ित हैं तो आपको मेरे कहने से हनुमान बाहु का 7 बार पाठ 40 दिनों तक हनुमान मंदिर में बैठकर करना चाहिए। यदि असाध्य से असाध्य घाव है वो भी छोटी से छोटी इलाज के तहत ठीक हो जाएगा। शनिवार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ और भीगे हुए चने का भोग लगाने से भी घर में सुख शांति रहती है। और हनुमान जी की उपासना तो आप समझ ही रहे हैं, कलयुग में हनुमान जी से ज़्यादा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है। उसका उदाहरण इस समय आपको बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है, आप देखिए किस तरह से आपकी मन की बातें वो जान जाते हैं, किस तरह से उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। वो सिर्फ हनुमान जी की कृपा से संभव है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है उसके जीवन में ऋण रोग और दरिद्रता का कोई स्थान नहीं होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।